कोई एजेड बंदा आ जाए टिकट वगैरह परचेज करने के लिए, तो वो उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उसके साथ बहुत अच्छा रखते हैं। और अमूमन इनमें ये आदत होती है कि वो उससे उम्र पूछते हैं यूजुअली, कि मतलब हाउ ओल्ड दे आर। तो मुझे सिर्फ ये सवाल था, क्योंकि मैंने नोट किया है कि जब कोई यंगर एज का कोई बंदा आता है तो वो उससे डिफरेंट तरीके से कोई सवाल उसकी उम्र पूछ रहे होते हैं, और जब कोई सीनियर सिटीजन इनके ऑफिस में आता है तो उसको वो अलग रिस्पेक्ट से पूछ रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सिद्दीक, बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई। डू यू रिमेम्बर हेलो कैसे कहते हैं टीचर को या सीनियर्स को? जी सर, निनाओ। वाओ जबरदस्त। अच्छा सिद्दीक, तुम तो काफी दिनों से, उस दिन हमारी बात भी हो रही थी ना, काम कर रहे हो चाइनीज के साथ एयरलाइन। जी सर, एक्चुअली 3 सालों से तो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ इनके साथ, और इन फ्यूचर भी कुछ छोड़ने का इरादा तो नहीं है, बिकॉज ये एक MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो स्कोप भी बहुत अच्छा है इनके साथ, और इनका एटीट्यूड और टूवर्ड्स वर्क भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जनरली मुझे तो पता है, मगर मैं अपने दोस्तों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए चाहूंगा, जनरली क्या ये सब चाइनीज का होता है या इस कंपनी की बात कर रहे हो, ये एटीट्यूड की जो आप बात? नहीं सर, इनका एटीट्यूड काफी फ्रेंडली और काफी बहुत अच्छा रहता है, अपने या अपने एम्प्लॉइज के साथ हो या किसी मीटिंग में हो ये, या फैमिली मेंबर्स के साथ हो, तो सबके साथ वेरी पोलाइट और काइंडली काइंडनेस वाला माहौल होता है इनके आसपास का। तो ये बहुत मतलब अच्छे एटीट्यूड के साथ सबके साथ सलूक करते हैं, जो कि इनकी बहुत अच्छी चीज लगी है। अच्छा, यहाँ तो तुमने काइंडनेस का लफ्ज यूज किया ना, जिन लोगों ने चाइनीज से इंटरेक्ट नहीं किया है, चाइनीज के साथ नहीं है, वो उनको तो एक बात कहते हैं कि वो बड़ा लाउड रोते हैं, ऐसा लगता है कि वो चढ़ के बात करें। जाहिर है उसकी वजूहत है, तुम्हें भी पता है वो लाउड नहीं होते, इस पे हम कभी और बात कर लेंगे, मगर रियलिटी यही है जो तुम कह रहे हो। वर्ड कहते हैं कि बिजनेस अच्छी तरीके से करने के यही तरीके, कि आप एटिकेट्स को अच्छा रखें सब चीजें। तुम्हें 3 साल हो गए, तो इस दौरान में हम चूंकि तुम्हारी मौजूदगी से फायदा ना उठाए, ये बताओ कि कुछ अच्छी आदतें, मेरे ख्याल अच्छी खासी काफी हैं जो हम करते रहते हैं, एक आज हाईलाइट करो। सर बेसिकली तो इनमें बहुत अच्छी आदतें हैं जो कि मैंने नोट की हैं, बट सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ ने इंस्पायर किया है वो इनके टाइम मैनेजमेंट। और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमने अपने इस्लाम से ही सीखा है कि टाइम मैनेजमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जो जो चीज़ें इन्होंने इस्लाम में बताई हुई हैं, हमें जो जो चीज़ें मिली हैं कि सुबह जल्दी उठकर काम पे चले जाना, कसरत करना, या दोपहर में खा के थोड़ी देर कैलोला करना जो सुन्नत रसूल है, इसके अलावा शाम में जल्दी खाना खा के सो जाना और सुबह फिर जल्दी उठ जाना, तो ये इनमें बहुत आदत है। मैंने जब नोट किया तो ये लोग तकरीबन ऑलमोस्ट 6 AM इन द मॉर्निंग ये लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेते हैं, और 12 बजे जो है ये अपना लंच कर लेते हैं मैक्सिमम, और शाम का खाना ये तकरीबन 5:30-6 बजे खा लेते हैं। तो सर ये बहुत ही अच्छा है इनका, मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, चाहे काम हो कुछ भी हो, ये अपना जो शेड्यूल होता है उसी के मुताबिक चलते हैं, ये एक ना इंच आगे होते हैं ना एक इंच पीछे होते हैं। अच्छा सिद्दीक, चूंकि जहर है मैं पढ़ाता रहता हूँ और तुम पढ़ चुके हो मुझसे, तो तुम्हें पता है कि डिफरेंट सवालात और डिफरेंट बातें लोगों के जहन में आ रही होती है, तो हम ये बताते चले कि लोगों के जहन में जो सवाल आ रहे हैं इंशाल्लाह हम आगे वो कवर करेंगे। मिसाल के तौर पर लोगों के जहन में ये बात किसी की आ सकती है, यार टाइम मैनेजमेंट सब चीजें अपनी जगह, बास से जो इनसे बिजनेस वेंडर्स हैं सप्लायर्स हैं वो टाइम पे नहीं देते और वो करते हैं, इसकी डिफरेंट रीजंस हैं, मगर मेजॉरिटी जो अच्छे वेंडर्स हैं और ओवरऑल बिजनेस में कामयाबी नहीं हो सकते कि अगर आप टाइम को मैच ना करें, तो आप बात बेसिक बिल्कुल सही है। इसकी जो चीज़ें वो किसी वक्त हम डिटेल में करेंगे, पॉजिटिव चीज़ें किसी को उठानी चाहिए, उसी को कॉपी करना चाहिए जहाँ तक हम कर सकें, खुद हमारे पास भी है जैसे कि तुम कह रहे हो वो ओन करने की, और जो कामयाब लोग हैं वो करते भी हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा हमने माइक लगा लिया भाई हेडफोन ताकि और थोड़ा बेहतर हो जाए। देखो सिद्दीक, मेरे जहन में एक सवाल इंटरेस्टिंग आ रहा है, आई नो इट, बट लोगों के लिए इंटरेस्ट की चीज होगी, कि ये जो टाइम मैनेजमेंट और पंक्चुअलिटी की आपने बात की, ये सिर्फ पढ़े लिखों और लाइक ऑफिसर्स पे अप्लाई होती है या उनकी लेबर क्लास और हर
स्टेज पे इंसल्ट आपको मिलेगी। हर तबके के लोग जो है इसको फॉलो अप कर रहे होते हैं, चाहे वो छोटे से लेबर हो या जनरल मैनेजर हो किसी कंपनी का। मैंने तो ये हर उसमें ही देखा है कि जिस भी स्टेज का आदमी है, चाहे वो अमीर है, गरीब है या मिडिल क्लास है, बट दे हैव टू फॉलो देयर टाइम्स। तो वो मतलब अपने टाइम से हटते नहीं है, वो उसी उसी वो एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फॉलो अप कर रहे होते हैं। सिर्फ जनरल नहीं, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं उसको। ठीक है भाई, हमारा आपसे काफ़ी दिनों के बाद बात हुई, मगर बड़े अच्छे एक स्पेसिफिक बात हुई है। इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई चीज़ आपके जहन में पूछना क्या है, कोई सवाल है? जी सर, एक सवाल है मेरा कि ये लोग अपने सीनियर्स को जो है बहुत प्रायोरिटी पे रखते हैं हमेशा। अगर हमारे पास भी कोई ऑफिस में कोई एजेड बंदा आ जाए टिकट वगैरह परचेज करने के लिए, तो वो उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उसके साथ बहुत अच्छा रखते हैं। और अमूमन इनमें ये आदत होती है कि वो उससे उम्र पूछते हैं यूजुअली, कि मतलब हाउ ओल्ड दे आर। तो मुझे सिर्फ ये सवाल था, क्योंकि मैंने नोट किया है कि जब कोई यंगर एज का कोई बंदा आता है तो वो उससे डिफरेंट तरीके से कोई सवाल उसकी उम्र पूछ रहे होते हैं, और जब कोई सीनियर सिटीजन इनके ऑफिस में आता है तो उसको वो अलग रिस्पेक्ट से पूछ रहे होते हैं। तो सिर्फ इसमें डिफरेंस मुझे जानना है कि एज अ वोकैबुलरी भी इसमें क्या डिफरेंस है, और ये ऐसा क्यों करते हैं, मतलब रिस्पेक्ट के रीजंस के बिहाइंड या ऐसी। ये बहुत रिलेटेड और बहुत अच्छा सवाल तुमने किया है। इसमें दो बातें हैं। रिस्पेक्ट जहाँ तक देने की बात है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, हमारे पास भी जनरली स्पीकिंग एल्डर्स को रिस्पेक्ट दी जाती है, मगर एज ए नेशन हमें इस बात को ओन करना चाहिए और मजीद करना चाहिए, ताकि हमारे बारे में भी कोई बात करे तो कहे कि जी हाँ ये होता है। ऐसा आप चाइनीज के बारे में जनरली लोगों में स्पाई तो जाती है, आप बस में जा रहे हैं तो लोग खड़े हो गए, ये सब चीज़ें हैं, बिल्कुल है, लेडीज की रिस्पेक्ट, उसको लाइन में जगह दे, ये बात है। मगर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया एज के हवाले से, हमारे कल्चर से थोड़ा डिफरेंट, हर कल्चर में छोटी छोटी चीज़ें डिफरेंट होती है, वो इसकी ब्यूटी भी होती है। हमारे पास इस तरह जनरली एज नहीं पूछते, औरतों के तो पहरे पूछते ही नहीं है, मर्दों का और ये आम पूछा नहीं जाता, उनके पास एक कॉमन टॉपिक है कि कर सकते हैं। ये एक तरीके से दोस्ती और फ्रैंकनेस वाली बात हो जाती है, बात चीज़ों में वो फ्रैंक होते हैं, बात में नहीं होते, तो यहाँ पे वो एज पूछते, बड़ों को पूछकर एक्चुअली वो रिस्पेक्ट देने के वाले। कोई इंटरेस्टिंग कोई ये भी कह सकता है कि क्या सारे चाइनीज एक से होते हैं तो कन्फर्म करते हैं कि बड़े हैं या छोटे हैं। मगर ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है, उन्हें आइडिया हो रहा होता है। हमें भी जब उनके साथ रहते हैं, आप इतने सालों में आपको भी आइडिया हो गया, आम आदमी को नहीं आइडिया होता छोटे बड़े का, मगर हमें हो जाता है जब साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब वो हमसे उम्र पूछते थे तो हम एकदम चौंक जाते थे, यार ये कैसा सवाल है। मतलब यूजुअली हमारे कल्चर में या ट्रेडिशन में ऐसा नहीं है कि हम किसी से उम्र पूछें, बट दे आस्क विदाउट एनी हेसिटेशन, एंड आई थिंक दैट्स ओके फॉर देम। हां हां, ये तो नॉर्मल टॉपिक है, बच्चों से भी पूछते हैं, बड़ों से भी पूछते हैं, खवातीन से भी पूछते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, कल्चरल। बिल्कुल। अब रिगार्डिंग के बच्चों से कैसे पूछा जाए, जैसे हमारे पास बच्चों से कैसे पूछते हैं, तुम कितने बड़े हो गए हो, या इस तरह कहते हैं ना, एक इनकरेज करने, कितने बड़े हो गए हो भाई, वे कहते हैं मैं 9 साल का हूँ, या आप मजाक करते हैं तुम 8 साल के हो, नहीं नहीं मैं तो 9 का हो गया हूँ, खुशी होती है ना बच्चों को। तो ये बच्चों से, अगर बड़ों से हम इस तरह नहीं पूछते, हम पूछते हैं खैर से आपकी क्या उम्र हो गई, या खैर से कब आप पैदा हुए थे, इस तरह की बात करते हैं। तो ये हर जबान में होता है, अल्फाज का फर्क उनके पास भी होता है। अब अगर हमें ये देखना है कि बच्चों से कैसे पूछते हैं, तो उसके लिए अभी हमारा जो एपिसोड हमने लिंक डाला है हमारे ग्रुप में, आप उसको देखिएगा, एपिसोड 10 चाइनीज बातों का, अब आप कह लें, उसमें बच्चों के हवाले से बड़ा अच्छा डिस्कस हुआ है, बासित के साथ हमारा वो सेशन था। अब अच्छा, बड़ों के हवाले से क्या होता है, तो मैं क्यों ना आपको इस पे बाकायदा एक हमारे कुछ वर्ड्स हैं, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम देख लेते हैं उसको, 2-4 मिनट तुम्हारे पास हैं? और जी जी सर, श्योर श्योर श्योर, ओके हम करते हैं। आपको नजर आ रहा है से मैंने वही चैप्टर बोला था, चैप्टर 5 जी सर, आप पढ़े, लेट मी सी के इतने दिनों के बाद तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन कहां पहुंच गया। ले लाउशे तोताला था जिन्यान उश सोयला थानी अर्ना थानी अर जिन्यान अर्श सोया। वेरी गुड वेरी गुड,
माशाल्लाह बहुत अच्छा तुमने कंटिन्यू किया है, मुझे याद है तुम अच्छे। और मैं अपने दोस्तों को बताऊं जो सुन रहे हैं, सादिक की इतने अच्छे प्रोनाउंसिएशन का और इतने फ्लो का इतने दिनों के बाद, रीज़न दो तीन है। एक रीज़न तो ये है कि ये क्लास में पार्टिसिपेट करने से नहीं कभी है हिचकिचाए, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं गलत कर दूंगा तो क्या है, मेरे जहन में ये बात थी कि गलत करने से जो सीखता है बंदा, करेक्शन हो जाती है। तो पार्टिसिपेट जो भी आप जो भी क्लास में पार्टिसिपेट किया, देखिए ये जो लिखा है ना ली लाश तोता आला, तुम्हें पता है लाश टीचर है और ली सरनेम हो गया, यानी ली टीचर इस तरह ही पुकारते हैं, सर यूजुअली कम कहते हैं, डेजिग्नेशन साथ लगाते हैं। तोता आला, तो माने कितना, एंता माने बड़ा या बड़ी, ला माने हो गई, इस सेंस में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ली लाश कितनी एज हो गई, कितनी बड़ी हो गई, इस तरह आप डायरेक्टली पूछ रहे हैं। तो अब ये डायरेक्टली उनसे नहीं पूछा जा रहा, किसी और से उनके बारे में पूछा रहा है, आप उनसे भी पूछेंगे तो ऐसे ही आप कहेंगे नी तो ताला, या ली लाश नी तो ताला, इस तरह बात रिपीट करें जरा। निन के साथ, हाँ लीलाश निन तो ताला, लीलाश निन तो ताला, ग्रेट। तो अभी चूंकि थर्ड पर्सन में बात हो रही तो वो कहते था वो जिनियन इस साल ऊश 50 होता है नीचे लिखा हुआ, सोए माने साल बरस, वो इस साल 50 की हो। तो आप खुद बोलेंगे तो कहेंगे था लगा के था हटा के वो लगा देंगे, जरा बोलकर दिखाएं, वाजिनियन उश सोएला, राइट, वाजिनिया उश सोएला, ग्रेट। तो अब उनकी बेटी के बारे में जाहिर है वो भी ग्रोन अप है, तो उसके बारे में भी वही बात हो रही है, ये ना किस लिए लगाया है तुम्हें याद है? सर सेम क्वेश्चन रिपीट के लिए आई थिंक, या एग्जैक्टली जो क्वेश्चन था वही, बस बंदा बदल गया। अब उनकी बेटी के बारे में बात हो रही है तो ना से वही काम हो गया, जैसे अंग्रेजी में नहीं हम कहते हैं व्हाट अबाउट हर डॉटर और उनकी बेटी, तो दोबारा से पूरा जुमला नहीं कहते ना, तो चाइनीज में भी ऐसी ना लगा दिया तो दैट्स इट, ना के और भी यूजेस हैं, मगर यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं लास्ट थनी यार ना, तो वो कहते हैं थनी यार जिनिया अर्श से, उनकी बेटी इस साल 20 की हो गई, मगर यहाँ हो गई नहीं बोला है, ला नहीं लगाया ना, इसको हम डिस्कस कर चुके थे क्लास में, ये हो गई नहीं है बल्कि वो 20 की है। अगर फर्ज करें हम ये कहना चाहें कि उनकी बेटी 20 की हो गई, तो क्या चेंज आएगा जुमला चेंज करके बोले? थानियर जिन्यान अर्श सोएला, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है भाई, एक दफा और पढ़ लो इसको, हम इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि ये चीज तो मेरा ख्याल था तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा, तुम्हें तो माशाल्लाह सब याद है, और ये प्रैक्टिस की बात होती है, जो दोस्त सुन रहे हैं वो पॉज करके रिपीट करें, वो भी उनको पढ़ा हुआ याद आ जाए, और नहीं भी पढ़ा है तो जुमले आप पिकअप कर सकते हैं, और साथ ही जिस तरीके से हमारा इसका PDF होती है वो भी अटैच कर देंगे जब हम अपलोड करेंगे। जी एक दफा पढ़े, ली लाश तो ताला, थाजिनियन उश सोएला, थानियना थानियर जिनियन अर्श सोए, राइट। अब मैं पढ़ता हूँ, अब मेरे साथ ही आप इसको रिपीट कीजिएगा, मैं एक जुमला बोलूंगा आप एज इट इज बोलिएगा, वैसे तो आप सही कह रहे हैं, ली लाश तो ताला, ली लाश तो ताला, थाजिनियन उश सोएला, ताजिनिया उश सोएला, थनियर्न थनियर्न थनियर जिनिया अर्श सोए, थनियर जिनिया अर्श सोए, दैट्स तर्जुमा वी हाउ ओल्ड एज प्रोफेसर ली, मैंने टीचर बताया है, यहाँ आपको और क्लैरिफिकेशन करें, लाश प्रोफेसर टीचर दोनों के लिए यूज होता है, यहाँ प्रोफेसर लिखा हुआ, दिस ईयर शी टर्न 50, अंग्रेजी में टर्न लगाते हैं कि यानी हो गई, ला वाली बात, व्हाट अबाउट जी जी हर डॉटर इज 20 दिस ईयर, दैट्स इट, ये हमारा मुकम्मल हुआ, एंड दैट्स इट, गॉड ब्लेस, लेट्स कॉल इट ऑफ, अल्लाह हाफिज़, रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।